फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग, क्योंकि शाम हो चुका है देखिए। और अभी छठ ख़त्म हुआ है, तो बहुत लोग के घर में एक महीना से कोई चिकन मटन नॉनवेज नहीं खाया होगा, तो अभी सब खाएंगे नॉनवेज। तो अभी हम जा रहे हैं मटन बनाने के लिए, तो हम जैसा मटन बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे मटन का रेसिपी। तो अभी मेरा बाबू सोया हुआ है, तब तक हम बनाते हैं, दिखाते हैं मेरा बाबू सोया हुआ है कहाँ। तो चलिए अभी हम मटन बनाते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम मटन। तो ब्लॉग में बने रहे। तो अभी हम मटन ले लिए हैं, 1 kg से थोड़ा कम ही है। तो इसे भी हम धो के अच्छा से प्लेट में रख दिए हैं। उसके बाद छोटे साइज़ का प्याज वगैरह को काट के प्लेट में रख लेंगे। प्याज है, खड़े मसाला, तेज पत्ता, धनिया वगैरह हम काट के रखते हैं। और इधर हम कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें हम तेल डालेंगे, वो भी मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में बनाने से थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद गर्म हो जाए तो खड़े मसाला सारा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, वो थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज को तब तक भूनना है जब तक वो थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए और येलोइश कलर दिखने ना लगे। तो अभी यहाँ पे प्याज भी भून गया है, तो अब इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो वो भी भून चुका है, तो अभी इसमें कुछ पाउडर मसाला डालेंगे। तो अभी धनिया पाउडर डाल दें, गोल की जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक सबको डाल के मिक्स कर लेते हैं। नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि नमक गल जाता है प्याज, मतलब प्याज अच्छे से गल जाता है, इसीलिए हम नमक डाल देते हैं अभी ताकि प्याज गल जाए। उसके बाद अभी हम मटन डालेंगे एक करके। तो अभी हम मटन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हल्दी का कलर पूरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल का लाइट की वजह से ये कलर थोड़ा फीका आ रहा है फ़ोन में। तो अगर आप लोगों को कम ज़्यादा लगे तो डाल सकते हैं। अभी हम तब तक मसाला पीस लेते हैं। इसमें गोल की जीरा है, लहसुन, मिर्चा और धनिया का डंठल है, तो अभी हम सबको पीस लेते हैं। और देखिए इधर मेरे प्याज भी गलने लगा है, तो गल रहा है, अभी गलने देते हैं, फिर से भी थोड़ा देर और पका लेंगे, उसके बाद हम मसाला डालेंगे। तो अभी गल रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोग कार्तिक में मटन नहीं, मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और किसको किसको पसंद है मटन। तो अभी इसको हम पकने देते हैं, ये पक जाए। देखिए अभी अच्छे से मतलब प्याज गल चुका है, प्याज गल चुका है। तो अभी हम इसमें मसाला डालेंगे सारा। ऐसा बनाने से ना मटन बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अभी पिसा हुआ मसाला हम डाल दिए हैं और डाल के भी मिक्स करके फिर से इसको ढक के थोड़ा देर पकने देंगे। तो अभी मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अभी ढक देंगे। और जो मसाला पीसे थे जार में थोड़ा सा बच गया था, उसमें भी पानी डाल के हम डाल दिए हैं ताकि मसाला अच्छे से डल जाए और इसमें पक जाए। तो अभी हम ढक के पकने देते हैं थोड़ा देर। देखिए तब तक मेरा बाबू इधर उठ गया और खेल रहा है अपने खिलौने से, वो अपना तलवार से खेलता है, उसको बहुत पसंद आता है ये खिलौना। मांग रही तो वो देता नहीं है, वो अपना धुन में खेल रहा है। देखिए तो देखिए इधर मेरा सब्जी बन रहा है। तो वो जाना स्टार्ट हो गया, मसाला भूनना नहीं है अभी। तो अभी फिर से चला के ढक देंगे। इसमें एक चिकन का टुकड़ा था इसलिए थोड़ा चलाने में दिक्कत आ रहा था, तो फिर भी अभी हम चला ले रहे थे। तो अब इसे फिर से एक बार ढक के पकने देंगे जब तक तेल ना छोड़े। तो तब तक ढक के फिर से पकने देते हैं, तेल छोड़ देगा फिर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा सपोर्ट मिले और हम भी इसी तरह वीडियो डाल सके। तो देखिए अभी मेरा भुन चुका है और मसाला छोड़ दिया। तो अपने
हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा, जितना ग्रेवी आपको चाहिए। तब इसमें पानी और MDH मसाला और धनिया डाल के अभी हम ढक देंगे सीजने तक। तो अभी हम ढक देते हैं, जब तक ये सीजता है तब तक अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो बन के रेडी है, आप लोग जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से रखिएगा। उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा, तो आप ये रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। मटन को ये सबका फेवरेट होता है, जो नॉनवेज होते हैं वो लोग के लिए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।